दोस्तों यहाँ पर जो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के फैक्ट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और उसको आप लोगों को गेस करना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों देखो यहाँ पर दिया है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो ये बहुत ही बेसिक है और आप लोगों को हमको लगता है पता होगा। तो मैं बता दूं इन जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, गेस करिए। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है वो हेनरिच एंटोन डी वेरी को, हेनरिच एंटोन डी वेरी जो है इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि बता दो दोस्तों एक्चुअली ये थे जर्मन जर्मन सर्जन थे और ये एक बोटेनिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। माइको लॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने सिस्टमिक सिस्टमैटिक फिजियोलॉजिकल स्टडी किया, फंजाई का, और इन्होंने ही फाउंडेशन रखा है सिस्टमैटिक वे में फिजियोलॉजी फंजाई का, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। और इनको मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो आप, मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट, और फंजाई के लाइफ साइकिल को इन्होंने भी स्टडी किया। तो इस तरह से इनका जो बेसिक कह सकते हो कि फाउंडेशन डालने में, प्लांट पैथोलॉजी का जो फाउंडेशन है उसको डालने में इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। दैट्स वाई इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और एक तरह से कह सकते हो ये फाउंडर हैं किसके, मॉडर्न जो आपका माइकोलॉजिस्ट माइकोलॉजी है उसके भी ये फादर हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनके बारे में कुछ मैंने यहाँ पर बताया जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा जो यहाँ पर फैक्ट आपके सामने है, बॉडी एक्स मिक्सचर वॉज डेवलप बाय, गेस कीजिए क्या आंसर इसका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है पी एम ए मिलार्डेट, इन्होंने क्या किया बॉडी एक्स मिक्सचर जो है डेवलप किया, कब, 1885 में। और ये जो बॉडी एक्स मिक्सचर है ये एक्चुअली क्या है, मिक्सचर है किस किस चीज का, कॉपर सल्फेट प्लस क्विक लाइम का, CuSO4 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इन दोनों का ये मिक्सचर को हम एज ए यूज करते हैं कैसे, फंजीसाइड, फंजीसाइड के रूप में। और स्पेशली इन्होंने जो इसको जो डेवलप किया था वो है ग्रेप वाइन यो यार्ड है, वहां पर दो जो डिजीज लगते थे पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, तो ये जो कॉपर जो मिक्सचर है बॉडी एक्स मिक्सचर ये एक्चुअली यूज होता था इस पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए, जो ग्रेप वाइनयार्ड होता है वहां पर इसको एक्चुअली यूज किया गया। लेकिन ये भी नोटिस किया गया कि और भी ये जो फंजाई हैं उनके अगेंस्ट इसको यूज कर सकते हो आप कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके ड्रॉबैक यही पाया गया कि जहां पर अगर आप इसको अगेन अगेन इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द सेम प्लेस तो वहां पर आपको कॉपर की जो है पॉल्यूशन की समस्या आने लगी, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया कि बॉडी ऑक्स मिक्सचर का हिस्ट्री क्या है और किसके लिए यूज होता है। तो आप याद रखिएगा पीएमए मिलार्डेट 1885 में इसको डेवलप किए थे, और मिक्सचर है स्पेशली कॉपर सल्फेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये ग्रेप वाइन यार्ड में जो है यूज किया जाता था पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए, स्पेशली ये पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। अब तीसरा जो है आपके पास सामने है वो है राट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कास्ट बाय, तो गेस कीजिए कौन सा जो फंजाई है जो कास करता है। तो दोस्तों इसका जो फंजाई है वो है साइनकैट्रियम इंडो बायोटिकम, तो ये राट डिजीज जो है
आपका जो फंगस है ये आपका राइट आंसर ये है, सैंकेट्रियम इंडोबायोटिकम जो है वो फंगस वो रॉट डिजीज आपका कॉज करता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है ये, बंची टॉप अप बनाना किसके द्वारा होता है, आप गेस कीजिए। तो दोस्तों ये एक्चुअली होता है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। जो बंची टॉप जो बनाना है वो बहुत ही डेडली डिजीज है, किसका, आपका बनाना का, और एक होता किसके द्वारा है, वायरस के द्वारा। चलिए उसके बाद ये बताइए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, कौन सा फंगस जो है काज करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। इस जो फंगस है वो है फाइटो थोरा इन्फेस्टॉन, ये फंगस जो है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। और इसमें क्या है, जो पत्तियां होती हैं उनमें ब्लाइट, जो पोटैटोज की पत्तियां होती हैं उस पर ब्लाइट्स के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे वो पूरा ब्लाइट्स जो कवर कर लेता है और एक काफी लास्ट करता है। और याद रखिएगा इसी के द्वारा जो है, जो इरिस फेमाइन था माना जाता है ये इसी के द्वारा हुआ था, क्योंकि उस इरिस में क्या हुआ था, टोटली क्रॉप फेल्योर हो गई थी पोटैटो की, जिसकी वजह से वहां पर भुखमरी आ गई थी और लोग मरने लगे थे। अब जो इसकी बात करते हैं, क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय, आप बताइए क्या होगा इसका। एक्चुअली ये कॉज्ड बाय प्लाज्मो डिफोरा ब्रैसी, प्लाज्मो डिफोरा ब्रैसी के द्वारा ये क्या है, काज होता है आपका क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर भी आपको याद रखिएगा कि ब्रैसी का फैमिली का है, इसलिए ये इसको यहाँ ब्रैसी की आपको लिखा गया है, ठीक है। तो प्लाज्मोडिफोरा ब्रैसी के द्वारा आपका क्लब रॉट कॉज होता है। अब बात अगर हम करें यहाँ पर, देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे, तो गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही कॉमन है, वो है लुइस, लुइस पाश्चर। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको याद होगा एक होता है पाश्चराइजेशन, ये जो आपको प्रोसेस इन्होंने ही जो है डेवलप किया था, और इस पाश्चराइजेशन की वजह से ही जो आपको, आप देखते होंगे मिल्क है, वाइन है, आज आपको विदाउट कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया जो मिलते हैं वो क्यों है, क्योंकि उनका पाश्चराइजेशन होता है, और जिसकी वजह से आपका मिल्क और वाइन्स जो है वो कंटामिनेट नहीं रहते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। और वो जो पाश्चराइजेशन है वो ये टेक्निक है, इन्होंने इस टेक्निक का इन्वेंशन किया था, इसलिए इनको फादर कह सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आजकल में पाश्चराइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इस जो प्रोसेस है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था, और इसको यूज करके आज हम जो है इन इंडस्ट्रियों में मिल्क का प्रोडक्शन और वाइन इंडस्ट्री जिसको हम स्टॉप कर लेते हैं, कंटामिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हम मार्केट में इसकी सप्लाई करते हैं। और दोस्तों अब आप लोगों को ये भी थोड़ा सा समझने की बात है कि पाश्चराइजेशन होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम, बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर पर आप जब मिल्क को हीट करोगे तो क्या होते हैं, जो जो भी बैक्टीरिया हैं वो आपके इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या कि वो कंटामिनेशन नहीं कर पाते। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, पाश्चराइजेशन। याद रखिए अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है हम टेम्परेचर देते हैं जिससे कि आपकी बैक्टीरिया जो भी स्पेशली ये कह सकते हो कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंटामिनेशन नहीं होता, और क्या होता है हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट है वो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पेशली मिल्क इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है, तो हमारा मिल्क जो है वो काफी देर तक हमारा मेंटेन रहता है। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पाश्चराइजेशन भी समझ में आ गया होगा, मतलब बिलो बॉइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर देते हैं जिससे कि आपका बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और ये जो पाश्चराइजेशन है टर्म क्यों दिया गया, क्योंकि लुइस जो है पाश्चर
इनका नाम था, उनके नाम का जो सफिक्स था उसको लिया गया फादर पाश्चराइजेशन, ठीक। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे द फैक्ट्स, ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग, किसके लिए किया जाता है बताइए, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये जो करते हैं ये बैक्टीरिया का डिटेक्शन के लिए करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जैसे ऊज टेस्ट जो है आप देखोगे जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके जो अगर ये लीफ है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आपको टर्बिडिटी ऊजिंग दिखेगी। इसको अगर आपको कैसे इसका टेस्ट कैसे कर सकते हो, इसको क्या है छोटे छोटे पीस में कट करो और इसको पीस को कट करने के बाद इसको वाटर में डाल दो, इस कटे हुए पीस को। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, 30 to 60 मिनट बाद आपको ये पानी जो है वाटर वाटर है इट विल कन्वर्ट इनटू येलो कलर, येलोविश हो जाएगा और इस वाटर में टर्बिडिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। स्पेशल कलर इसमें आपको दिखेगा और ये टर्बिडिटी जो है ये इंडिकेट करती है कि ये इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल है, क्योंकि जो कट होता है उस कट्स के निकलने के बाद जब ये डालते हैं इसमें तो जो फ्रॉम लीफ से जो बैक्टीरिया है वो निकलता है और वो बैक्टीरिया जो निकलता है तो क्या है आपको पानी में टर्बिडिटी पैदा कर देगा और यही है क्या है आपका ऊज टेस्ट। और इसको करते क्यों है बैक्टीरिया, अगर ये ऊजिंग है टर्बिडिटी डेवलप हो रही है इसका मतलब वो क्या है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इसके बाद बात करेंगे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कास्ड बाई, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है आपका एल्बिगो कैंडिला। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जो ये जैसे हमारा मस्टर्ड का प्लांट है मान लीजिए, तो यहाँ पर देखते होंगे आप इसके ये इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन होता है, यहीं पर क्या ये अटैक पाउडर बना देगा वाइट पूरा जो मस्टर्ड का है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट। ये व्हाइट रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, आपको पूरी जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्लावर पार्ट जो है व्हाइट व्हाइट कवर कर लेगा, तो इसलिए इसको व्हाइट रस्ट बोलते हैं। और ये फंगल इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं एल्बिगो कैंडिडा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पपाया मोज़ेक डिजीज इज, तो ये सीधा मोज़ेक की जब बात करें तो याद रखिएगा मैक्सिमम मोज़ेक जो है हर क्रॉप के जो होते हैं वो क्या है वायरस, वो ये वायरल इन्फेक्शन है। अब उसके बाद बताइए ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कास्ड बाई, कौन सा फंगस है जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डेवलप करता है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग गेस किए, लेकिन इसका आंसर क्या है आपको एलिमेंटो स्पोरियम ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा ये जो फंगल है ये फंगस है ये कॉज करता है आपका ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। और ब्राउन स्पॉट के केस में आप देखोगे जैसे मान लो ये राइस की लीफ है, ठीक, तो इस पे आपको छोटे 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 ब्राउन जो है आपको यहाँ पर स्पॉट्स दिखेंगे और इनका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है और धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं, तो धीरे धीरे होल लीफ को कवर कर लेते हैं और जो लीफ सीथ है उस पे भी इसको आपको देखने को मिलेगा। तो ये तरह इस तरह से जो ब्राउन के स्पॉट्स हैं पूरे प्लांट्स पर जब डेवलप हो जाते हैं तो ये फाइनली क्या है आपकी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राउन में, पूरी सूख जाएगी लीफ, धीरे धीरे स्पॉट बड़े होते जाएंगे, तो इससे क्या है आपका ये जो है हमारी राइस की जो क्रॉप है वो काफी अफेक्टेड होती है। अब जो लास्ट है यहाँ पर दोस्तों वो बताओ सिस्टमिक जो फंजिसाइड है किसने डिस्कवर किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वान स्कैमलिंग एंड कुलका, कब 1966 में वान स्कैमलिंग एंड कुलका ने ये आपका सिस्टेमिक फंजीसाइड डिस्कवर किया। तो एक्चुअली सिस्टेमिक फंजीसाइड क्या है, आप जैसे मान लो ये आपका प्लांट है और इसमें आपका कोई इन्फेक्शन हो गया है फंगल, ठीक, तो सिस्टेमिक नेचर का मतलब है कि अगर फंजीसाइड यहाँ पर ड्रॉप पड़ा यहाँ पर पत्तियों पे तो ये पूरे सिस्टम में फैल जाएगा प्लांट के, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद होल सिस्टम में फैल जाएगा। मीन्स अगर इन्फेक्शन यहाँ भी हो रहा है और हर भी फंजीसाइड यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका इफेक्ट यहाँ भी आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड। और जो कांटेक्ट होते हैं उनमें जैसे अब मान लो ये प्लांट है, कांटेक्ट जो फंजीसाइड होगा
जहां पर कांटेक्ट करेगा, मान लीजिए इस पोर्शन पर कांटेक्ट किया, तो इन्हीं पोर्शन के जो फंगस हैं वो किल होंगे। अगर यहां पर नहीं कांटेक्ट में आया और यहाँ फंगल ग्रोथ हुआ तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन सिस्टेमिक में पूरा होल सिस्टम को वो क्या करता है, सेव करता है, और इसमें जहां पर कॉन्टेक्ट में आएगा फंजिसाइड वही केवल सेफ रहेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट जो है आपका नॉन सिस्टेमिक फंजिसाइड में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ थे फैक्ट्स जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा, बहुत बताए भी होंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, लाइक करके और इसे अपने दोस्तों में शेयर करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।